सांस तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश से एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरे। अपनी इज्जत बेचने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। जेके ना कभी किसी से माफी मांगता और ना ही मांगता। आज तुम इस शो से ही नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री से भी आउट हो चुके। तुम कितनी नादान हो जूलिया, आज तक मुझे नहीं समझ पाई। जेके ना किसी को माफ करता है और ना ही किसी से माफ मांगता है। आज तुम इस शो से नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री से आउट हो चुके। मिली बेटा, तेरी जूलिया से बात हुई क्या? आज उसका बहुत बड़ा शो है, एक कॉल करना उसे। मम्मा, कोई फायदा नहीं, आज बड़ा शो है, वो बहुत बिजी होगी। और वैसे भी जूलिया को ना हल्के में मत लो, वो बहुत बड़ी मॉडल बन गई है, सुपर मॉडल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो गया। मुझे तो लगता था पता नहीं वहां जाएगी तो क्या होगा। मम्मा, तू भी ना बहुत सोचती है। अपनी जूलिया खुश है, हमें और क्या चाहिए। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, कितनी खुश होगी वो। Congratulations, Vinny. एक बार फिर से तुमने हिट शो दे दिया। And Pallavi, you were gorgeous, baby. Thanks, darling. It's a teamwork. Poor girl, you know. उस बेचारी का मुंह देखा था। दो कौड़ी की लड़की को उसकी औकात बता दी। मुझे लेक्चर झाड़ रही थी सती सावित्री। मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, अब उसकी ऐसी इज्जत उतरी है कि अकल ठिकाने आ गई होगी उसकी। मैं तो सिर्फ जेके की वजह से चुप थी। मेहनत और काबिलियत के दम पे सुपर मॉडल बनेगी। माय फुट
रिलैक्स बानी। ऐसे छोटे लोगों के बारे में इतनी टेंशन नहीं लेते। सही बात है, जेके सही कह रहा है, ऐसे छोटे लोगों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। वैसे जेके के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं बता सकता। वो सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ और ही है। Very unpredictable guy. लेकिन जेके मानना पड़ेगा, ऐसा गेम घुमाया तुमने, लास्ट मोमेंट पे ऐसा झटका दिया जूलिया को कि वो सारी जिंदगी याद करेगी। झटका दिया ही कहाँ विनीत, सिर्फ शो से बाहर निकाला, अभी तो उसे इंडस्ट्री से भी बाहर निकालूंगा। जानती नहीं हूं उसने किससे दुश्मनी। परेशान से क्यों? किसे कॉल कर रही थी? वो जेकी मेरा कॉल नहीं आंसर कर रहा है। निहारिका, क्यों कर रहा हो मेरे साथ ऐसा? मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या थी? क्यों इस तरह मेरी बेइज्जती करके सबके सामने मुझे शो से निकाला? सब हंस रहे थे मुझ पर, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तुम भी तो थी ना वहां। देखा मैं, लेकिन जूलिया भूल जाओ भी हो सकता, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है, और भी काम मिल जाएगा। जेके को कॉल करके कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। मैं जानती हूँ जेके को, मैं तो कहूंगी तुम इसे भूलने की कोशिश करो प्लीज। कैसे भूल जाऊं, कैसे? क्या एक शरीफ लड़की होना गुनाह है? क्या अपनी इज्जत बचाना गुनाह है? क्या एक लड़की अपने जिस्म का सौदा करके ही अपने सपने पूरे कर सकती है? कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, ये नियम किसने बनाया? मुझे शो से निकाल दिया निहारिका, कोई किसी के फीलिंग्स के साथ ऐसे कैसे खेल सकता है? कैसे भूल जाऊं मैं, वो मंजर मेरे आंखों के सामने से जाता ही नहीं। तो रो मत, तो अकेली नहीं है जिसके साथ ये सब हो रहा है, इसका सामना यहां हर लड़की को करना पड़ता है। ये ग्लैमर इंडस्ट्री का दस्तूर बन गया है, ये लड़ाई इस तरह हारी नहीं जाती, लड़ना पड़ता है। एक दरवाजा बंद हुआ तो क्या, दूसरा खुल जाएगा। तू बस हौसला रख, हैरी है ना, मैं उससे बात करती हूँ, और शोभा भी है, उससे भी बात कर लेंगे। तू अपनी बहन और अपनी माँ के बारे में सोच, चल अभी नॉर्मल हो जा, बहुत काम मिल जाए दोनों पर। और आज के बाद तुम जेके को ना कॉल करोगे और ना ही मिलना। से ट्राई किए जा रही हूं, ये लड़की भी ना।
मिली बेटा, लो दूध पी लो। क्या बात है, इतनी परेशान से क्यों लग रही? मम्मा ये लड़की भी ना पागल है, एक कॉल नहीं कर सकती है क्या? शो कैसा हुआ, फोन भी नहीं आंसर कर रही थी, और अब तो फोन से चुप आ रहा है। देखना मम्मा, मैं ना इसे अब बहुत चिल्लाऊंगी, पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती, मुंबई जाके बदल गई है। ये बात तू बोल रही है मिली, जो मुझे हमेशा कहती है कि मम्मा वो ना बहुत बड़ी मॉडल बन गई है, उसके पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, उसे मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, पार्टीज में जाना होता है, और अब तू गुस्सा कर रही है। समझ में आया तुझे मम्मा की चिंता की वजह? पर पता नहीं क्यों तुझे देखकर मुझे ऐसे लग रहा कि चिंता की वजह कुछ और ही है। तू देखना कहाँ है वो। मम्मा कैसे पता लगाऊं? हाँ वो जूलिया की फ्रेंड निहारिका, उसे कॉल करती हूँ। चल खा लो थोड़ा। थैंक्स। तेरी मेलिसा का कॉल है, मत उठाना प्लीज। क्यों जूलिया, तूने शो के बाद घर कॉल नहीं किया था? कॉल नहीं किया था इसलिए कॉल कर दी। क्यों नहीं किया तूने कॉल? वो तेरे घर वाले हैं, इतना प्यार करते हैं तुझसे। अब सोच उन्हें कितनी फिक्र हो रही होगी तुम्हारी। क्या बताती कॉल करके कि मेरे साथ क्या हुआ, वो सह नहीं पाएंगे। चल मेरे फोन से कॉल कर। और अगर उसने शो के बारे में पूछा तो कुछ भी झूठ बोल देना, कह देना कि शो अच्छा हुआ। चल कॉल कर। हेलो मिली कैसी है तू? ना एकदम बात मत करना मुझसे, एक कॉल नहीं ना, अभी जब मेरा कॉल गया तब तू कॉल कर रही है, भूल गई ना हम सबको? मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ, मर सकती हूँ लेकिन तुम लोगों को नहीं भूल सकती। अच्छा ठीक है, इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आइंदा से ऐसा हुआ ना तो मैं खुद वहां आऊंगी और तुझे वापस ले आऊंगी। मैं भी वापस आना चाहती हूँ। जूलिया सब ठीक है ना? सब ठीक है यहाँ। तेरा शो कैसा था, तूने बताया नहीं? तूने लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया, बताती कब? शो अच्छा हुआ, सबने बहुत इज्जत की मेरी और प्यार भी मिला, इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि पूछ मत, सब लोग मुझे देखते ही रह गए। शो स्टॉपर थी ना, शो ही स्टॉप कर दिया, मतलब शो में चार चांद लगा दिया, अब और क्या कहूँ बस। अच्छा मम्मा से बात नहीं करेगी? कब से पागल हुए जा रही है तुझसे बात करने के लिए। अभी नहीं, अभी मुझे लेट हो रहा है, एक सक्सेस पार्टी में जाना है, मैं कल बात करती हूँ आराम से, बाय। मुझसे बात क्यों नहीं कराई तूने? मम्मा वो बिजी है, वो किसी पार्टी में जाना था उसे, कल बात करेगी मम्मा वो। बहुत बड़ी मॉडल बन गई है ना, मम्मा से बात करने के लिए कहाँ टाइम है उसे, टाइम ही नहीं उसके पास,
मीटिंग्स में जाना होता है, पार्टीज अटेंड करनी होती है, मुंबई की हवा लग गई उसे। तेरे पापा सही कहते थे, मगर मैंने उनकी कभी बात नहीं मानी। अब तू देखना, मैं ना उससे बात नहीं करूंगी। हाँ नहीं मम्मा, मम्मा आप उसको गलत समझ रहे हो, जूलिया ऐसी नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत डर लग रहा है। ये वही जूलिया ना जिसने कहा था कि उसे घर मिल गया है, और वो मुझे मुंबई लेके जाने वाली थी। ऐसा अचानक क्या हो गया कि कभी उसका फोन नहीं लगता? पता नहीं ऐसा क्या हो गया, फोन ही नहीं करती है। कॉल हम करते हैं तो कभी बिजी आता है, कभी हमारा फोन नहीं उठाती। मिले मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है बेटा, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। मम्मा कुछ तो बात है जो वो हमसे छुपा रही। क्या और हाँ भानी, सिंगापुर से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं साइट देखने, सो प्लीज मेक श्योर सारे अरेंजमेंट्स ठीक से हो जाए। श्योर। हाँ शेखावत जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक नहीं हूं जी, क्योंकि वो थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा था, तुम्हारे गाल पर। सर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैंने उस लड़की को अच्छा सबक सिखाया। अरे फैशन शो में उसको सबके सामने धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया मैंने। उससे मेरा बदला पूरा नहीं होता, मुझे वो लड़की चाहिए मेरे बिस्तर पर। सर वो लड़की मान ही नहीं रही है, मैं क्या करूं? सर मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी मॉडल देख के रखी, आप उसे देख लेंगे तो जूलिया को भूल जाएंगे। सर मुझे सिर्फ वो और वो लड़की चाहिए, वरना तुम्हारी वो सिंगापुर वाली डील कैंसिल। इस साली लड़की ने परेशान कर दिया है, छोड़ो मैं इतना परेशान कर दूंगा कि मेरे कदमों पर आकर गिड़गिड़ाएगी। एक सलाह थी जूलिया, कुछ टाइम मॉडलिंग को ब्रेक देकर मूवी कर लो। मैं जानती हूँ कि जेके के रहते हुए मुझे कोई काम नहीं देगा, इसीलिए मूवीज के लिए बोल रहे हो ना? नहीं ऐसा नहीं है जूलिया, मैं सब समझती हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में, अब मुझे सब समझ में आ गया है। खैर क्या करना है? अंजी रेड्डी की मूवी जिसकी हमने मीटिंग की थी वो कर लेते हैं, और रेड्डी सर भी मुंबई में है तो कल चल के उनसे मिल लेते हैं। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है चलते हैं। ओह हेलो सर। अरे ओह जूलिया, अरे बैठो बैठो बोलो कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? मैं तो ठीक है। ये
फिल्म का हीरोइन अभी तक फाइनल नहीं हुआ ना, इसलिए वापस आना पड़ा। कास्टिंग वेरी बोरिंग जॉब आई टेल यू। तुम बोलो कैसा आना हुआ? सर उसी के लिए तो आए हम। अच्छा एक्चुअली क्या है ना सर कि जूलिया को मूवी करना है और आपके साथ काम भी करना है, तो अगर आप बोले तो लुक टेस्ट करने को रेडी हैं हम, है ना? जी सर, अब मॉडलिंग को ब्रेक देकर मूवी करना है। गुड, वेरी गुड डिसीजन। हवा के रुख के साथ चलना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम मेरी चॉइस पहले भी थी और आज भी हो। ये लुक टेस्ट एंड ऑल ये ओनली फॉर्मेलिटीज है जी, कर लेंगे। मेरा डन है, लेकिन वो जेके के साथ में तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो पहले तुमको जेके से पूछना होगा, राइट? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वाई? क्यों जी? तुम तो वो जेके के कॉन्ट्रैक्ट में थी और उसके वो शो में शो स्टॉपर भी थी ना? ऐसा ही होता है सर, इस इंडस्ट्री में एक पल में क्या हो जाए कुछ बोल नहीं सकते। वक्त तो वक्त पर बदलता है, इंसान किसी भी वक्त बदल जाता है। जूलिया सही कहा तुमने। तुम बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री को समझने लगी हो। अच्छा है, अच्छा है, गुड गुड गुड। डोंट वरी, हम साथ काम करेंगे। थैंक यू सर। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। मेरा मतलब है कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती या एक्सपोज। देखो बेटा, मेरा घर में तुम्हारा उम्र का दो बेटियां हैं, मैं कोई गंदा काम नहीं करता वरना मेरा फिल्म फ्लॉप हो जाएगा जी। मैं एक साफ सुथरी क्लीन मूवी बनाता हूँ। रिलैक्स, टेंशन मत लो। सर काश सब लोग आपके जैसे। नहीं जूलिया, सब लोग एक जैसा हो नहीं सकता। ये हमारा हाथ देखो, ये हाथ का उंगलियां, ये एक बराबर नहीं है। रात गई जूलिया का फोन। हाँ जूलिया बेटी बोल। पापा आप सही थे और मैं गलत, सॉरी। बेटा जूलिया, हेलो हेलो